हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। दशम फॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रांची से महज कुछ ही दूरी पे यह दशम फॉल स्थित है, जहां 144 फीट की ऊंचाई से पानी गिरती है, जो अपने आवाज़ ध्वनि से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 2022 का अंतिम सप्ताह यानी कि संडे आज पर्यटकों के लिए खास रहा, और ख़ासकर इस दशम फॉल के लिए। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आए और अपने परिवार, दोस्त और संबंधियों के साथ पिकनिक मनाया। यहाँ आने वालों के लिए प्राकृतिक का पूरा दर्शन हुआ, जहाँ एक ओर पहाड़, झरने, नदी और कलकल करती जल स्रोत लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वहीं आज की खुशनुमा मौसम भी लोगों को लुभाने में लगी हुई थी। यह जो नज़ारा है, यह दशम फॉल का है, जहां पे ये कलकल करती जल को देख पर्यटक काफ़ी खुश हैं और इस जल में अपने कदम को डालकर लगता है कि जन्नत का अनुभव हो गया। पेश है मुंडू से हमारे संवाददाता जितेन सार की रिपोर्ट। आप ही देख रहे हैं कि यहाँ पर दशम फॉल में आके पानी के साथ आप खेल रहे हैं और 144 फीट के नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। कितनी मस्ती के साथ 2022 को विदा कर रहे हैं और 23 की आगमन के आज ही से चालू कर रहे हैं। कितनी मस्ती की है जी, आज ही से चालू कर रहे हैं हम लोग। जोर से थोड़ा बोलिए जी। आज ही से आए हम लोग घूमने, नज़ारे देखने, बहुत खूबसूरती है यहाँ। यहाँ की पानी बहुत खूबसूरती है। और क्या, ये बैरियर लगा हुआ है, लगता है वो खतरे की जगह है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया। बैरियर क्यों लगा हुआ? इसलिए लगा है, उधर जाना खतरा है, इसलिए ये लाल झंडे टाइप का लगा दिया गया है। जाना खतरा है उधर जी, कि उस तरफ ना जाए, खतरे से बचे और इस तरफ पानी का मजा ले। तो आपने कितनी मस्ती उठाई आके यहाँ पर? बहुत मस्ती उठाए, बहुत मजा आ रहा है, पानी का पूरा हम लोग आनंद। ये बैरिकेडिंग है ना? बैरिकेडिंग एंड सेफ्टी मेजर्स है, यानी ये सेफ जोन है एक तरीका का, और आगे है आपका एंड डेंजर जोन है। प्लीज वहाँ पे देखिए, कोशिश ना हमारी यही रहती है कि पब्लिक से भी यही अनुरोध है कि आए, घूमे फिरे, आप सेल्फी पॉइंट जितना भी है ले, सुंदरता का आनंद उठाए, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए चले। कि बहुत सारे कांड यहाँ पे देखे जा चुके हैं, और नए लड़के लड़की जो बाहर से आते हैं, स्टूडेंट वगैरह है, उनके लिए स्पेशली खासकर जो आते हैं उन्हें पता जानकारी नहीं है, फोटो खिंचाने के चक्कर में डेंजर जोन में घुस जाते हैं और अपनी जान गांव फॉल्स आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 25 दिसंबर है, आमतौर पे लोग चर्च जाते हैं सेलिब्रेट करने, क्रिसमस को कैंडल्स जलाते हैं, बट यहाँ पे आके पहली बार पता चल रहा है कि लोग क्रिसमस में दशम फॉल्स में भी आते हैं। एंड इसकी खूबसूरती, नज़ारे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है हम लोग आने वाले नए वर्ष को बहुत ही अच्छे से वेलकम करेंगे, क्योंकि अगर बीता हुआ वर्ष का एंडिंग ऐसे हो रहा है दशम फॉल्स के साथ, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबको बोलूंगी कि आप लोग आइए, दशम फॉल्स विजिट करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे।